एप्लाइड एस्पेक्ट होता है वो हम लोग इस टॉपिक से मेंस में देखते हैं, जैसा कि सभी टॉपिकों में हम लोगों ने देखा है। अब हम आते हैं टॉपिक, इस टॉपिक की विशेषता यह है। अब टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक को हम लोगों को कैसे पढ़ना है। फिजियोग्राफी रीजन का सीधा सीधा अर्थ होता है भारत का भू आकृतिक प्रदेश, और भू आकृतिक दृष्टि से भारत को चार भू आकृतिक प्रदेश में बांटा जाता है। इसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा मध्यवर्ती मैदान, इसको मध्यवर्ती गंगा का मैदान भी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, मिडिल गैंगेटिक प्लेट। तीसरा है प्रायद्वीपीय पाठा, प्रायद्वीपीय पाठा। और चौथा है तटीय मैदान और द्वीपसमूह, तटीय मैदान और द्वीपसमूह। इस तरह से इस भूआकृतिक भारत के भूआकृतिक प्रदेश को हम लोग चार वर्गों में बांटते हैं। इस भूआकृतिक प्रदेश को आप एक मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से। यह भारत का नॉर्दर्न भाग है और यह भारत के साउदर्न भाग को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यहां यह मध्यवर्ती मैदान को नोट कर रहा है, यह प्रायद्वीपीय पाठा, और यह क्षेत्र जो है यह तटीय मैदान और यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप को भी, आइसलैंड को भी यह नोट कर रहा है। यह चौथा भाग है प्रायद्वीपीय संरचना। हम लोग एक एक करके देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ऐसे टॉपिक है जहां से अगर आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहां से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगी और गलत होने की संभावना कम होगी। और मेंस में भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग एरिया है ये सब। इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं तो ना तो छोड़ना चाहिए और ना ही इसको इग्नोर करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम तीन वर्ग में वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं, इसको तीन वर्ग में हम क्लासीफाई करते हैं क्वेश्चन के पूछने की प्रवृत्ति के आधार पर। यह क्लासिफिकेशन है। पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। दूसरा है हिमालय का वर्गीकरण, और तीसरा है हिमालय का भारत पर प्रभाव, हिमालय का भारत पर प्रभाव, हिमालय का भारत पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। बहुआयामी प्रभाव से तात्पर्य हुआ इसका जलवायु प्रभाव है, इसका आर्थिक प्रभाव है, इसका सांस्कृतिक प्रभाव है। और इस जलवायु आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव से के संदर्भ में आपसे मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। हिमालय के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसका भू आकृतिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण। वाकृतिक वर्गीकरण क्या है और प्रादेशिक वर्गीकरण क्या है। भू आकृतिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण से सामान्यतः जनरल समय सामान्यतः प्रीलिम्स बेस्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन होते हैं, मेंस के क्वेश्चन नहीं भी होते हैं, लेकिन मेंस का भी हमें संभावना बनता है, कैसे होता है उसको भी देखेंगे। और तीसरा हमारा जो डायमेंशन है, इनफैक्ट यह पहला है, वह हिमालय की उत्पत्ति, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, साथ ही साथ इसके समसामयिक घटनाओं से इसको जोड़ते हुए क्वेश्चंस आते हैं। अर्थात अगर हिमालय क्षेत्र में कोई भूकंप आता है, उस भूकंप को हिमालय के उत्पत्ति से इंटरलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को, इस पार्ट को हम लोग इसके थ्योरी से तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ थ्योरी को समसामयिक घटनाओं से जोड़ते हुए इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान्यतः या ऐसे कह सकते हो तो हिमालय की उत्पत्ति के टॉपिक को हम दो वर्ग में क्लासिफाई करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित क्या इंट्रोडक्शन होगा, इसका परिचय क्या होगा, इसी टॉपिक को हम लोग उसके इंट्रोडक्शन से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको भी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग पहले। फिर इसके उत्पत्ति की क्या प्रक्रिया है, क्या इसका मैकेनिज्म रहा, किस प्रकार से हुआ इसकी, और इसकी प्रक्रिया को दो फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसको अच्छे से फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते। हिमालय की उत्पत्ति के परिचय में अगर हम देखते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति की सर्वाधिक तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा होती है। यहां यह महत्वपूर्ण है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने पर्वत निर्माण से संबंधित कोवर के भूसन्नति सिद्धांत को तो अस्वीकृत कर दिया, लेकिन हिमालय के उत्पत्ति के संदर्भ में भूसन्नति की अवधारणा को स्वीकार किया। और वह भूसन्नति किस भूसन्नति के रूप में स्वीकार किया है, वो टैथिस भूसन्नति, टैथिस सागर के रूप में, जो कि टैथिस भूसन्नति था, इसको प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा भी मान्यता मिली हुई। हम लोग देखते हैं फिगर से कैसे हिमालय की उत्पत्ति, इसके इंट्रोडक्शन में देखोगे हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुई, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुई है, और दोनों के बीच यह आकर्षण टैथिस भूसन्नति के क्षेत्र में हुआ है, टैथिस भूसन्नति के क्षेत्र में हुआ है, जिसके अंदर ऐसा माना गया है जो भारतीय प्लेट का सबडक्शन हो रहा है और यूरेशिया प्लेट का बलन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है और यूरेशिया प्लेट बलित हो रहा है। ना केवल यूरेशिया प्लेट बलित हुआ है बल्कि टैथिस भूसन्नति में अवसादों के निक्षेप का भी बलन हुआ है, अवसादों के निक्षेप का भी बलन हुआ है और उसी बलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसको भी हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं, जितने ही फैक्ट्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया है सबको एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, फिर इसको लिखा देते हैं। ठीक है, समझ। फर्स्ट फिगर पूछिए, यह है टैथिस भूसन्नति, सॉरी यूरेशिया प्लेट, यह है यूरेशिया प्लेट,
यह भारतीय प्लेट को डिनोट कर रहा है। यहां पे भारतीय प्लेट का सबडक्शन कोण है और यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकरा गई। यह सामंजस्य यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकरा गए टेंजेंट भूसन नदी के सहारे हुआ, इस फिगर से स्पष्ट होता है। अब दूसरे फिगर में देखेंगे जो इस टकराव से किस प्रकार से उत्तर के पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है और उसका क्या क्या हमारे भूगर्भीय संरचना पे प्रभाव पड़ा है, इसको इस प्रकार से कुछ देख सकते हो। इस दोनों फिगर को इंटरनेट करते हुए फिर उसको एक्सप्लेन करने का है। यह भारतीय प्लेट है और यह विंध्याचल पर्वत है। हम जानते हैं विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यह मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र है। विंध्याचल पर्वत को कुछ यहां बनाए तो सही है, यह मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र है और यहां से भारतीय प्लेट का संरक्षण हो रहा है, भारतीय प्लेट का क्षेपण हो रहा है और भारत हम जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, तो तापमान के इस वृद्धि के कारण भारतीय प्लेट आंतरिक भाग में जाकर के मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के संवहनीय धारा के रूप में मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है और बाहर निकलता है तो यही बाहर निकलता हुआ भाग जो हिमालय के आंतरिक भाग जो चट्टान के रूप में है और उसको ग्रेनाइटिक चट्टान या बेथोलिक संरचना भी कहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी उसमें देखेंगे जो हिमालय के आंतरिक भाग में बेथोलिक स्ट्रक्चर है वह बेथोलिक स्ट्रक्चर कुछ यही होता है। यह जो है यह मैप में यूरेशिया प्लेट को डिनोट करता है। यह यूरेशिया प्लेट, यह यूरेशिया प्लेट, यह तिब्बत का पाठा पहले मैप पर लोकेट करते तिब्बत पाठा। यहां पे एक गैप होगा जिसका नाम है इंडो सांको सच्चर जोन। इंडो सांको सच्चर जोन यह एरिया जो है यह टेथियन हिमालय का एरिया, टेथियन हिमालय अर्थात टेथी सागर के बदन से और इसके कारण हुआ है काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत का संबंध टेथियन हिमालय से। यह ग्रेटर हिमालय है, यह लेसर हिमालय है और यह शिवालिक है। शिवालिक ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच एक फॉल्ट है जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच एक दरार है जिसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट और शिवालिक और मध्यवर्ती मैदान के बीच एक फॉल्ट है जिसका नाम है हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट, मीन्स हिमालय का सबसे अग्रस्त दरार। यहां पे एक इंपॉर्टेंट यह है यही क्षेत्र भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक भूकंप यही आते हैं। क्यों आते हैं? भूकंप आते हैं तो उसका पर्वत से क्या संबंध होता है? भूकंप की तीव्रता का पर्वत के उत्थान से क्या संबंध है? क्या भूकंप की तीव्रता अधिक होगी तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ेगी?
इन्हीं सब अंतर संबंधों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे, हिमालय की उत्पत्ति में करने वाले, इसी का विश्लेषण हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसी से आपके क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछने का कुछ यह होगा आपका, हिमालय क्षेत्र में आए हुए भूकंप हिमालय के उत्पत्ति को निर्देशित करता है, कथन को स्पष्ट करें। हिमालय क्षेत्र में आए हुए भूकंप हिमालय के उत्पत्ति को, हिमालय की उत्पत्ति का सूचक, कथन को स्पष्ट करें। हिमालय क्षेत्र में भूकंप की बारंबारता क्या हिमालय के युवा बलित पर्वत होने का उदाहरण, कथन को स्पष्ट करें। इस तरह से कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे। यहां से हिमालय पर्वत के उत्पत्ति की व्याख्या प्लेटवर्किंग के सिद्धांत पर सामान्य व्याख्या है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको मेंस के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इसको इसी तरह से हम लोग पढ़ने पढ़ेंगे।